अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं इस वक्त अपने मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद का मेन दरवाज़ा। आज रात की खसूसियत है कि आज रात खत्मुल कुरान की रात है। आज इंशाल्लाह नमाज तरावी में खत्मुल कुरान का एक दौर होने वाला है इंशाल्लाह। तो उस सिलसिले में मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपनी मस्जिद का जो अंदरूनी अहाता है वो दिखाना चाहता हूँ, और फिर इंशाल्लाह शाम को बात होगी। ये जनाब मस्जिद की मेन एंट्रेंस है, और ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद का अंदरूनी अहाता है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ मेन हॉल में कुछ ही दिन पहले जो पॉलिश टाइल्स थे उसका काम मुकम्मल हुआ है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त पॉलिश टाइल्स ये लगे हैं सफ़ेद रंग के। मैं ज़रा एक हाँ बस लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये देख सकते हैं मस्जिद का अंदरूनी खाता बिल्कुल। वो डिजिटल क्लॉक लगा है, ये सारे पंखे वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये कालीन ये सारा कुछ। तो इंशाल्लाह आज रात मस्जिद में खत्मुल कुरान की रात है, और इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों की आमद मतवक्के है। तो मेरी उम्मीद और यही है कि इंशाल्लाह आज रात की जो खत्मुल कुरान की वीडियो है ये बड़े ज़बरदस्त होने जा रही है। ये बैरूनी खाता है, ये आप देख सकते हैं मस्जिद का। तो इंशाल्लाह आज रात खत्मुल कुरान की जो रात है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी इंतज़ाम उसके चल रहे हैं, जो मेन्यू होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, या जो चीज़ भी हो मेन्यू में तो वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा। फ़िलहाल यही पे इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह रात को फिर मज़ीद बात होगी। بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل هذا شهر احط الليل بالبيت اقوى قدر ما نقدره في زين الموضوع مش فارس ولا سفر هذا سيكون شهرياتك اخلاق الرسول رضي الله عنه في الطيب ويطرق مرتك الا نسلم يوم يجي والبيت لا تهرب من جدار الهواء لا والله لا بس ये जनाब हतम शरीफ हो गया है और लोग अभी चाय पी रहे हैं, ब्लैक टी भी है और उसके साथ साथ कश्मीरी चाय भी है। मैं इस वक्त मस्जिद के हॉल में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनाओ लोग घूर घूर के देखने लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया कि मैं अपने इस वीडियो का जो जो हिस्सा रह गया है मुझसे वो मैं बता दूँ। मुबीन ने ख़त्म का आखिरी जो हिस्सा था वो पढ़ लिया एज़ इमाम, बाकी उनके पीछे शहबाज कारी और दूसरे हाफिज साहब थे वो भी खड़े थे। सारा कुछ हो गया, दुआ हो गई है, लोग अभी चाय पी रहे हैं क्योंकि दावत के लिए बहुत सारे लोगों को मदऊ किया गया था। और ये ख़त्मुल कुरान का आखिरी 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 रात थी और ये हो गया। तो अभी मज़ीद बस इंशाल्लाह जो आम तरावी की नमाज होती है वही पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अपनी बरकत हम सारों भी नाजिल फरमाए। अभी भी लोग चाय पी रहे हैं और ये सारा अहतमाम हमारे घर से हुआ है, वहीं से सप्लाई अभी भी जारी है, लोग लेके आ रहे हैं।
तो मैं आपको ये रूह परवर मनाजिर दिखा रहा था, आपने देख भी दिया और मुझे उम्मीद है कि दुआ में हम सारों ने यही दुआ की अल्लाह ताला की हुजूर के अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए और बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। तो मज़ीद देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं लोग तकरीबन जा चुके हैं, तकरीबन 70-80% लोग चाय पी के और पूरी तरह एंजॉय करके जा रहे हैं और जा चुके हैं। अभी थोड़ी सी लोग बाकी रहते हैं, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 20-30% लोग अभी बाकी है। जो एहतमाम हो गया था यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त था। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीलॉग और मुझे यकीन है आप लोगों को आज का वीलॉग पसंद आया होगा, खत्मुल कुरान का। तो इंशाल्लाह यहाँ पे इसी का एंड करते हैं। मस्जिद को ऑलरेडी दरवाज़ा हम लॉक कर चुके हैं, लोग सारे जा चुके हैं। यही रहमत और बरकत वाली एक रात थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी और इस पर बात होगी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इस नई इशू के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।